पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्राई के कुछ क्लैनमेट्स उसे बताते हैं कि अचानक से ही व्हाइट वुल्फ डैन के अंदर रहने वाले मॉन्स्टर्स की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है और अब वह सभी मॉन्स्टर्स काफी आसानी से फिफ्थ लेवल के भी हंटर को मार दे रहे हैं, जो सुनते ही क्राई काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने टीनो के साथ साथ ग्रेग, गिलबर्ट और रूडा को उस डंजन के अंदर भेजा होता है और अब वह परेशान होते हुए अपने ट्रेजर हाउस में भागते हुए जाकर वहां पर मौजूद काफी कीमती ट्रेजर्स को बाहर निकालते हुए व्हाइट वुल्फ डैन की ओर आगे बढ़ता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें क्राई को अपने सभी साथियों के साथ कैपिटल सिटी में आए हुए पूरे एक हफ्ते का टाइम हो चुका होता है और उन सभी लोगों ने आज पहली बार एक बॉस मॉन्स्टर का सामना किया होता है। वहीं पर उस फाइट के दौरान लूक की वुडन स्वॉर्ड टूट चुकी होती है, जो देखकर वह काफी ज्यादा उदास होता है। अब लूक को उदास देखकर लिज बोलती है, तुम एक बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए वुडन स्वॉर्ड का यूज नहीं कर सकते हो, तो अब हमें यहाँ पर अपने पास मौजूद पैसों का यूज करते हुए कुछ काम के वेपन्स खरीदने चाहिए जिनका यूज करके हम पावरफुल मॉन्स्टर्स को हरा सके। तभी वहां पर बैठी एक तीसरी लड़की बोलती है, आखिर कौन ही सोच सकता था कि हमें एक लेवल 1 के डंजन के अंदर एक साइक्लॉप्स देखने को मिलेगा और उससे फाइट करने में हमारी सच में हालत खराब हो गई थी, पर फाइनली हमने उसे मार ही गिराया। तभी वहां से गुजर रहा एक पर्सन उन लोगों की बात को सुनकर वहीं पर रुक जाता है और अब वह उनके पास आते हुए बोलता है, अभी तुमने क्या कहा, लेवल 1 के डंजन में तुम्हें एक साइक्लॉप्स दिखा, आखिर तुम यहां पर किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, साइक्लॉप्स लेवल 4 के डंजन में पाए जाते हैं और तो और तुम जैसे कमजोर लोग एक साइक्लॉप्स को कभी भी फाइट में नहीं हरा पाएंगे। तभी लिज अपनी जगह से खड़ी होते हुए बगल में रखे हुए बैग को लेकर उस पर्सन के पास जाती है और अब वह उस पर्सन को उस बैग के अंदर रखा हुआ साइक्लॉप्स का एक आंख दिखाती है, जो देखते ही वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं पर अब यह सब देखकर वहां पर आसपास मौजूद सभी लोग यह समझ चुके होते हैं कि क्राई और उसके साथी कितने ज्यादा इनसेन हैं और वह सभी लोग यहां पर कुछ भी कर सकते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम में उस वुल्फ मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि टीनो और उसके सभी टीममेट्स के सामने खड़ा होता है और अब वह सभी लोग एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को वहां पर मार गिराते हैं। वहीं पर उस मॉन्स्टर से फाइट करने में रूडा और ग्रेग की हालत खराब हो चुकी होती है और वह दोनों काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। तभी टीनो अपने वेपन को उठाते हुए बोलती है, मेरे ख्याल से यह यहाँ का सबसे कमजोर मॉन्स्टर था जो अपने साथियों से डरकर डंजन से दूर भाग रहा था, तो तैयार हो जाओ, डंजन के अंदर हमारा सामना इससे भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स के साथ होने वाला है, जो सुनते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी ग्रेग गिलबर्ट को देखते हुए बोलता है, गिलबर्ट आखिर तुमने फाइट के दौरान अपने मैजिकल स्वॉर्ड की पावर का यूज क्यों नहीं किया। गिलबर्ट उसे बताता है कि मिशन पर आने से पहले वह अपने स्वॉर्ड को चार्ज करना भूल गया था, जिस वजह से अभी उसके स्वॉर्ड के अंदर बिल्कुल भी मैजिकल पावर नहीं है। यह सुनते ही रूडा परेशान होते हुए बोलती है, अगर हमारा सामना इससे भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स के साथ होने वाला है तो हमें यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग अभी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है और तो और हमारे पास अभी कोई मैजिकल वेपन भी नहीं है। तभी टीनो बोलती है, यहाँ से कोई भी वापस सिटी की ओर नहीं जाएगा क्योंकि उसके मास्टर ने उसे यहाँ पर जो मिशन दिया है वह किसी भी कीमत पर उस मिशन को पूरा करेगी। अब ग्रेग वहां पर टीनो को समझाने की कोशिश करता है। तभी टीनो बोलती है, ग्रेग तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि मास्टर आखिर इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर ने हमें इस जगह पर बस एक मिशन देकर भेजा है कि हमें कुछ लोगों को इस डंजन से बाहर निकाल कर लेकर जाना है, पर सच्चाई कुछ और ही है। मास्टर के दिमाग में जरूर यहाँ पर कोई ना कोई प्लान चल रहा होगा और इसीलिए मास्टर ने गिलबर्ट की मैजिकल स्वॉर्ड के अंदर मौजूद माना एनर्जी को पहले ही खर्च कर दिया था, क्योंकि वह मेरे ख्याल से यहाँ पर गिलबर्ट की पावर को टेस्ट करना चाहते थे। यह सुनते ही गिलबर्ट भी वहाँ पर सोचने लगता है, हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि थाउजेंड ट्रिक कब क्या करेगा कोई भी नहीं बता सकता है और वह सच में एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और खतरनाक पर्सन है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग टीनो के पीछे चलते चलते डंजन के पास पहुंच जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि डंजन के गेट पर कई सारे वुल्फ मॉन्स्टर खड़े होते हैं, जिन्हें देखते ही गिलबर्ट बोलता है, मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ तो तुम सभी लोग मेरे पीछे आओ, मैं इन सभी मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम सभी लोग डंजन के अंदर चले जाना। टीनो बोलती है, नहीं मैं इस पार्टी की लीडर हूँ और मास्टर ने मुझे इस पार्टी का लीडर बनाकर इसीलिए भेजा है क्योंकि वह मेरी काबिलियत को परखना चाहते हैं, इसीलिए वह उनके पार्टी को लीड करेगी। और अब वह वहां पर सभी लोगों को अपने प्लान के बारे में बताती है। दूसरी ओर हमें क्राई को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से उड़ते हुए डंजन की ओर जा रहा होता है। वहीं पर वह रास्ते में हर जगह पर देखते चला जा रहा होता है
क्योंकि वह टीनो और बाकी सभी लोगों को डंजन के अंदर जाने से पहले ही रोकने के लिए आया हुआ होता है। पर रास्ते में उसे वह लोग कहीं पर भी नहीं दिखाई देते हैं। दूसरी ओर हमें टीनो को दिखाया जाता है जो कि अपने सभी साथियों के साथ मिलकर लगातार मॉन्स्टर्स को मारते हुए डंजन के अंदर जा रही होती है। वहीं पर वह सोच रही होती है यह सभी मॉन्स्टर्स सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, पर वह लोग भी कुछ कम नहीं। और तो और भले ही इन सभी मॉन्स्टर्स के पास वेपन्स है, पर इनके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं। और अगर वह सभी लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर टीम वर्क से काम करे तो वह काफी आसानी से इस डंजन को क्लियर कर सकते हैं। तभी कई और सारे मॉन्स्टर्स उनके सामने आते हुए उनके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। इन्हें देखते ही ग्रेग और गिलबर्ट काफी तेजी से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें देखते हुए टीनो सोचने लगती है, गिलबर्ट भले ही बट बोला किस्म का इंसान है, पर इसकी स्वॉर्ड्समैन स्किल काफी ज्यादा खतरनाक है और ग्रेग के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है जिसका यूज करते हुए वह काफी आसानी से किसी के भी साथ टीम अप कर सकता है। और अब यहाँ पर बचती है रूडा। रूडा की कोई खास स्पेशलिटी तो नहीं, पर हाँ यह एक थीफ है और यह मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाने में काफी ज्यादा माहिर है। अब रूडा आगे बढ़ते हुए मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाती है और टीनो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर पीछे से अटैक करते हुए उन्हें मार देती है। अब हमें गिलबर्ट को दिखाया जाता है जो कि एक वुल्फ मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। वहीं पर आज पहली बार मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने में उसे मजा आ रहा होता है क्योंकि आज से पहले उसने टीम वर्क में कभी भी काम नहीं किया होता है, क्योंकि उसके पुराने सभी साथी बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और वह उसकी स्पीड को कभी भी मैच नहीं कर पाते थे। इसी वजह से उसने अपने पुराने साथियों को छोड़ दिया था, पर आज पहली बार वह टीम वर्क के साथ फाइट कर रहा होता है और वहाँ पर टीम वर्क में काम करने में उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी ग्रेग पीछे से आते हुए गिलबर्ट के ऊपर अटैक कर रहे वुल्फ को धक्का देकर पीछे कर देता है। और अब यह देखकर गिलबर्ट सोचने लगता है, अब मुझे यहाँ पर समझ में आया कि थाउजेंड ट्रिक मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर हम अपने साथियों के साथ एक साथ मिलकर फाइट करते हैं तो हमें फाइट करने में मजा आता है, तो अब मुझे यह बात समझ में आ चुकी है कि अपने साथियों के साथ मिलकर फाइट करने में ही असली मजा है। अब वह सभी लोग लगातार मॉन्स्टर्स को मारते हुए सीधा बॉस रूम में पहुंच जाते हैं। तभी टीनो आगे बढ़कर कुछ सेंस करती है और अब वह बोलती है, अब तक हमने यहाँ पर जितने भी पावरफुल मॉन्स्टर्स का सामना किया वह सभी मॉन्स्टर्स बस छोटे बच्चे थे, अब यहाँ पर हमारा सामना एक असली पावरफुल मॉन्स्टर से होने वाला है, तो सभी लोग यहाँ पर तैयार हो जाओ। तभी ग्रेग बोलता है, कहीं यह बॉस रूम तो नहीं। टीनो हाँ में सर हिलाती है, जो सुनते ही ग्रेग परेशान होते हुए बोलता है, आज से पहले भी मैंने कई सारे बॉस रूम देखे हैं, बॉस मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और वह सभी इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि पार्टी के 5-6 मेंबर्स भी एक साथ मिलकर उनका सामना नहीं कर पाते हैं, तो हम सभी लोगों को यहाँ से बाहर की ओर भागना चाहिए क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर्स से फाइट करने की वजह से हम सभी काफी ज्यादा थक चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि हम उस बॉस मॉन्स्टर से फाइट में जीत पाएंगे। टीनो बोलती है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके मास्टर ने उसे यहाँ पर जो काम दिया है वह उस काम को जरूर पूरा करेगी। तभी ग्रेग बोलता है, तुम बॉस मॉन्स्टर को इस तरह अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती हो, मैंने यहाँ पर अपने साथियों के साथ बॉस मॉन्स्टर का सामना किया है और मुझे पता है कि बॉस मॉन्स्टर्स कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, और उस फाइट में मैंने अपने पुराने सभी साथियों को खो दिया था, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस फाइट में हम सभी लोग मारे जाए, इसीलिए हमें यहाँ से भागना होगा। तभी टीनो बोलती है, मास्टर को शायद से तुम्हारी कमजोरी के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए मास्टर ने तुम्हें मेरे साथ इस मिशन पर भेजा है। तुमने एक बॉस फाइट में अपने पुराने सभी साथियों को खो दिया था, जिस वजह से तुम्हारे दिल के अंदर एक खौफ बैठ गया, और उस बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद तुमने कभी भी दोबारा किसी बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि तुम्हारे अंदर डर बैठा हुआ था। पर यहाँ पर तुम्हारे पास एक मौका है, तुम हमारे साथ मिलकर इस बॉस मॉन्स्टर को फाइट में हराकर अपने अंदर मौजूद डर को खत्म कर सकते हो। यह सुनते ही ग्रेग सोचने लगता है, तो क्या क्राई को मेरे इस डर के बारे में पहले से ही पता था, और क्या इसीलिए उसने मुझे इस जगह पर भेजा। वहीं पर खड़ी टीनो ग्रेग को देख रही होती है और अब वह बोलती है, तुम्हें अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर देने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे मास्टर के गॉडली माइंड के अंदर आने वाले आइडियाज के बारे में कभी नहीं समझ पाओगे। मेरे मास्टर एक गॉड है जिनके द्वारा बनाए गए आइडियाज कभी भी फेल नहीं होते हैं। और अब वह सभी लोगों को अपने साथ लेकर वहां से आगे बढ़ती है। दूसरी ओर हमें क्राई को दिखाया जाता है जो कि जंगल में हर जगह पर टीनो को ढूंढ रहा होता है, पर टीनो उसे कहीं पर भी नहीं दिखाई देती है। अब यह देखते ही वह सोचने लगता है, कहीं वह सभी लोग पहले ही डंजन के अंदर तो नहीं चले गए, अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपने बाकी सभी क्लैनमेट्स को यहाँ पर बुला लेना चाहिए। यह सोचते हुए वह वहां पर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, पर तभी वह नोटिस करता है कि उस ट्रेजर के अंदर ब्रेक होता ही नहीं है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और अब वह उड़ते हुए सीधा डंजन के अंदर जाने लगता है।
दूसरी ओर टीनो और बाकी सभी लोग वॉशरूम में पहुंच चुके होते हैं, जहां पर उनके सामने एक जाइंट व्हाइट वुल्फ खड़ा होता है। वहीं पर उस व्हाइट वुल्फ के पास काफी खतरनाक आर्मर और वेपन होते हैं, जिसे देखते ही सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। तभी वह वुल्फ उन सभी लोगों के ऊपर वहां पर अटैक करने लगता है। अब वह सभी लोग वहां पर खुद को संभालते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी वह मॉन्स्टर गिलबर्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे गिलबर्ट अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए वहां पर ब्लॉक करने लगता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए ग्रेग काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के पैरों के ऊपर अटैक करता है, पर ग्रेग के अटैक से उस मॉन्स्टर के ऊपर एक खरोच भी नहीं आती है और अब वह मॉन्स्टर ग्रेग को अपने हाथ से मारते हुए दूर फेंक देता है। तभी टीनो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखते ही वह मॉन्स्टर गिलबर्ट को छोड़ते हुए पहले ग्रेग को मारने की कोशिश करता है। ग्रेग उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका स्वॉर्ड वहां पर टूट जाता है और अब वह मॉन्स्टर ग्रेग को मारने ही वाला होता है कि तभी रूडा काफी तेजी से भागते हुए आकर ग्रेग को उसकी जगह से हटा देती है, जिससे उस मॉन्स्टर का अटैक मिस हो जाता है। तभी टीनो काफी तेजी से भागते हुए उस मॉन्स्टर के बिल्कुल सामने पहुंच जाती है, जो देखते ही वह मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह पीछे हटते हुए टीनो के ऊपर अटैक करता है, जिससे टीनो का राइट लेग वहां पर इंजर्ड हो जाता है। पर टीनो खुद को संभालते हुए अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस मॉन्स्टर को वहां पर मार देती है। वहीं पर टीनो का पैर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है, जो देखकर रूडा उसके लिए परेशान हो जाती है। टीनो बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक पोशन है, और अब वह उस पोशन का यूज करते हुए अपनी उस इंजरी को वहां पर 90% हील कर लेती है। वहीं पर ग्रेग बोल रहा होता है, मेरा यह स्वॉर्ड टूट गया और अपने स्वॉर्ड के टूटने के बाद भी मैं यहां पर जिंदा हूं। सच में लेडी लगाज यहां पर मेरे साइड है। तभी टीनो ग्रेग के पास जाते हुए उसे अपना स्वॉर्ड देते हुए बोलती है, अब तक यहाँ पर हमारा मिशन खत्म नहीं हुआ है और बिना किसी वेपन के तुम इस डंजन के अंदर ऐसे नहीं घूम सकते हो, तो तुम्हें अब मेरे इस वेपन का यूज करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। जो देखते ही ग्रेग टीनो को थैंक्स करता है। तभी अचानक से टीनो के ऊपर कोई एक स्पीयर से अटैक करता है, जिसे टीनो पहले ही सेंस कर लेती है और अब वह नीचे गिरते हुए उस अटैक से बच जाती है। तभी सभी लोग देखते हैं कि एक दरवाजे से कई सारे व्हाइट वुल्फ उस बॉस रूम के अंदर आने लगते हैं, जो देखते ही उन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर एक व्हाइट वुल्फ को हराने में उन सभी लोगों की हालत खराब हो गई, पर अब इस जगह पर 5 से ज्यादा व्हाइट वुल्फ आ चुके होते हैं। वहीं पर उन सभी व्हाइट वुल्फ के पास पिछले वाले व्हाइट वुल्फ से भी ज्यादा खतरनाक आर्मर और वेपन होते हैं। अब यह देखकर टीनो वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और सोचने लगती है, मास्टर मैंने जितना सोचा था आपके द्वारा दिया गया यह मिशन उससे भी ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर आपके द्वारा दिए गए इस मिशन को पार कर पाऊंगी, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और अब वह सभी लोगों से बोलती है कि वह यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टर्स को रोक कर रखने की कोशिश करती है, तब तक बाकी सभी लोग यहाँ से भाग जाएं। पर तभी वहां से बाहर जाने वाले रास्ते को एक व्हाइट वुल्फ डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब वहां की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि टीनो इंजर्ड होती है और वहां से बाहर जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो चुका होता है। यह देखते ही ग्रेग और गिलबर्ट बोलते हैं, रूडा और टीनो तुम दोनों थीफ हो, तो तुम दोनों यहां पर अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए यहां से भाग सकती हो, तो तुम दोनों यहां से बाहर जाओ, तब तक हम इन सभी मॉन्स्टर्स को यहां पर रोक कर रखने की कोशिश करते हैं। अब यह सुनते ही टीनो सोचने लगती है, उसने अपने मास्टर के द्वारा दिए गए मिशन को अंडर एस्टिमेट किया, जिस वजह से वह इस सिचुएशन में फंस गई है, तो अब उसे यहां पर क्या करना चाहिए। तभी टीनो को याद आता है कि कुछ दिनों पहले उसने गिलबर्ट को मारकर उससे क्राय का रिंग छीना था, जिस रिंग को क्राय ने कॉम्पिटिशन के लिए फेंका था, और वह रिंग एक मैजिकल वेपन है जो कि आइस बुलेट को फायर कर सकती है। और अब वह वहां पर सभी लोगों को शांत करते हुए बोलती है, तुम में से यहां पर कोई भी नहीं मरेगा, मेरे पास एक आइडिया है, बस तुम्हें यहां पर मेरे प्लान के हिसाब से चलना होगा। तुम सभी लोग यहां पर बस उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश करो और उसके आंख के ऊपर अटैक करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अब सभी लोग टीनो के कहे अनुसार डंजन से बाहर जाने के रास्ते पर खड़े मॉन्स्टर की आंख पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिससे उस मॉन्स्टर को वहां पर थोड़ी देर के लिए कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए टीनो अपने आइस बुलेट से उस मॉन्स्टर की आंख पर अटैक करती है, जिससे वह परमानेंट अंधा हो जाए और इसका फायदा उठाते हुए वह सभी लोग यहां से भाग सके। अब टीनो के अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर का वेपन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। तभी टीनो बोलती है, सभी लोग यहां से अपनी जान बचाकर भागो,
पर गिलबर्ट उसकी इस बात को नहीं सुनता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, बिना अपने वेपन के यह मॉन्स्टर मेरे सामने कुछ भी नहीं, तो मैं इसे हरा सकता हूँ। यह बोलते हुए वह उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वह मॉन्स्टर बस गिलबर्ट की आवाज को सुनकर एक हाथ घुमाकर उसे दे मारता है, जिससे गिलबर्ट उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है और अब वहां पर उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, जो देखते ही टीनो भागते हुए उसके पास जाती है और उसे एक पोषण देने की कोशिश करती है। तभी गिलबर्ट टीनो से माफी मांगते हुए बोलता है, मेरी एक गलती की वजह से हमारा पूरा प्लान यहाँ पर खराब हो गया, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। पर तभी टीनो देखती है कि उसके अटैक से वह मॉन्स्टर पूरी तरीके से अंधा नहीं हुआ होता है और अब वह मॉन्स्टर वहाँ पर मौजूद बाकी सभी व्हाइट वुल्फ के साथ टीनो और गिलबर्ट को चारों ओर से घेर लेता है और अब वह उनके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी कोई चीज काफी तेजी से उड़ते हुए आकर उस मॉन्स्टर को हिट करती है, जिससे वह मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है और अब सभी लोग देखते हैं कि वह चीज कुछ और नहीं बल्कि क्राई होता है। यह देखते ही टीनो काफी ज्यादा खुश होती है और बोलने लगती है, मास्टर आप हमें बचाने के लिए यहाँ पर आए हो। वहीं पर क्राई सोच रहा होता है, मेरा यह ट्रेजर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और न चाहते हुए भी मैं इस डंजन के अंदर आ गया। वहीं पर क्राई की इस एंट्री को देखकर वहां पर मौजूद सभी व्हाइट वुल्फ काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और अब वह सभी मॉन्स्टर पीछे हटने लगते हैं, पर तभी वह मॉन्स्टर दोबारा से वहां पर उठकर खड़ा हो जाता है, जिससे अभी क्राई टकराया होता है और अब वह मॉन्स्टर गुस्से में अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए क्राई के ऊपर अटैक करता है, पर उसके अटैक से क्राई को कोई भी नुकसान नहीं होता है, जो देखकर सभी मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर क्राई सोच रहा होता है, अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ अपनी सेफ रिंग को ले आया और जब तक यह सेफ रिंग मेरे पास है, मेरे पास टोटल 17 लाइफ है और मैं यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टर्स के 17 डेडली अटैक को झेल सकता हूँ। और अब क्राई अपने ऑफेंसिव रिंग का यूज करते हुए उस वुल्फ के ऊपर 5 एलिमेंट सोनिक बूम से अटैक करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब उस ब्लास्ट को देखकर सभी लोग वहां पर सोचने लगते हैं, तो क्या यही है एक 8th लेवल हंटर की पावर? यह सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर तभी क्राई देखता है कि उसके अटैक से उस वुल्फ को वहां पर कुछ ज्यादा खास डैमेज नहीं हुआ होता है और वह वुल्फ दोबारा से वहां पर उठकर खड़ा हो जाता है। यह देखते ही आसपास खड़े वुल्फ के अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत आती है और अब वह सभी लोग क्राई को चारों ओर से घेरकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी क्राई अपने गले में मौजूद लॉकेट को बाहर निकालता है, जो देखते ही सभी मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा हैरानी से उसे देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें क्राई से काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी क्राई अचानक से वह ट्रेजर उन मॉन्स्टर्स की ओर फेंकता है और अब वह उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां पर एक काफी खतरनाक धमाका होता है और चारों ओर फॉग फैल जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए क्राई सभी लोगों को वहां से भागने के लिए बोलता है। अब वहां पर टीनो का पैर इंजर्ड होता है, जिस वजह से वह स्पीड में नहीं भाग पा रही होती है, इसीलिए सभी लोग उसके पीछे चल रहे होते हैं, जो देखते ही गिलबर्ट बोलता है, आखिर तुम सभी लोग इतने स्लो क्यों हो, तुम्हें अपनी फुल स्पीड में यहां पर भागना चाहिए वरना वह सभी मॉन्स्टर्स हमें पकड़ लेंगे। तभी रूडा बोलती है, टीनो इस जगह पर इंजर्ड है तो हम उसे पीछे छोड़कर यहाँ पर नहीं भाग सकते हैं। तभी टीनो पीछे मुड़कर देखती है तो क्राई सबसे पीछे होता है, जो देखते ही वह सोचने लगती है, मास्टर क्राई यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पीछे भाग रहे हैं। वहीं पर क्राई सोच रहा होता है, मैं अपनी फुल स्पीड में यहाँ पर भाग रहा हूँ पर इसके बावजूद मैं सबसे पीछे हूँ, आखिर मेरी स्पीड कितनी ज्यादा स्लो है। वहीं पर टीनो सोच रही होती है, मास्टर आज तक बिल्कुल भी नहीं बदले और आज भी वह उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह पहली बार उन्होंने उसे प्रोटेक्ट किया था। और अब टीनो को एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें कुछ लोग उसे बुली कर रहे होते हैं और वह सभी उसके पास मौजूद पैसा छीनना चाहते हैं, पर तभी अचानक से उन्हें पीछे से कोई आवाज लगाता है और उन्हें रास्ते से हटने के लिए बोलता है, पर उनमें से एक पर्सन बिना कुछ सोचे समझे उस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर थोड़ी ही देर में वह पर्सन उन सभी लोगों को काफी आसानी से मारकर नीचे गिरा देता है, जो देखते ही एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, यह तो ग्रीविंग सोल पार्टी के मेंबर्स हैं, यह कैपिटल सिटी के सबसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं, तो हमें इनसे नहीं उलझना चाहिए। यह सुनते ही वहां पर मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अब टीनो आगे बढ़ते हुए उनसे उनका नाम पूछती है, जिससे वह फ्यूचर में उनका यह एहसान चुका सके। तभी क्राई बोलता है, हमने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं। यह बोलते हुए वह वहां से अपने सभी साथियों के साथ चला जाता है और अब टीनो को क्राई की यह पर्सनैलिटी काफी ज्यादा पसंद आती है और तभी से वह क्राई को अपना आइडल मानने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में वह सभी लोग भागते भागते एक जगह पर आ पहुंचते हैं। वहीं पर टीनो क्राई को देखकर काफी ज्यादा उदास होती है, जो देखते ही रूडो क्राई के पास जाते हुए उससे बोलती है, टीनो ने यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत की पर इस डंजन में मौजूद मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से हम अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाए और तो और इस मिशन को पूरा करने में टीनो ने अपनी जान लगा दी,
जिस वजह से इसका यह राइट लेग भी यहाँ पर इंजर्ड हो गया। अब जैसे ही क्राय टीनो के पैर को देखता है, वह परेशान होते हुए बोलने लगता है, टीनो कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अब क्राय को अपने लिए परेशान होते हुए देखकर टीनो वहां पर घायल होने की एक्टिंग करने लगती है, जो देखते ही क्राय अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके टीनो की इंजरी को पूरी तरीके से हील कर देता है। यह देखकर टीनो को काफी ज्यादा खुशी होती है। वहीं पर क्राय उससे माफी मांगते हुए बोल रहा होता है, टीनो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यह मिशन इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तभी ग्रेग बीच में बोलता है, क्राय क्या तुम्हारे उस अटैक ने उन सभी मॉन्स्टर्स को जान से मार दिया? क्राय बोलता है, मुझे नहीं पता, वहां पर काफी ज्यादा धुआं हो गया था जिस वजह से मैं उस जगह पर कुछ भी नहीं देख पाया, और मैंने जितना सोचा था यह मॉन्स्टर्स उससे काफी ज्यादा पावरफुल है, तो अभी के लिए हमें डंजन से बाहर जाना चाहिए। यह सुनते ही सभी लोग वहां पर क्राय की बात से एग्री करते हैं। वहीं पर सभी लोग सोच रहे होते हैं, क्राय सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर वह चाहे तो वह अकेले ही इस पूरे डंजन को क्लियर कर सकता है, पर वह उन लोगों के लिए यहां पर डंजन से बाहर जा रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि वह सभी लोग यहां पर इंजर्ड हो जाए। और अब वह सभी लोग क्राय के पीछे चलते हुए उसे वहां पर फॉलो करने लगते हैं। वहीं पर क्राय सोच रहा होता है, मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन सच में काफी ज्यादा खराब है, मुझे नहीं पता कि मैं डंजन के और भी ज्यादा अंदर जा रहा हूँ या फिर डंजन से बाहर जा रहा हूँ, और यहाँ पर कोई मुझे टोक भी नहीं रहा है, तो आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।